girls, let me invite on stage the man who has revolutionized the corporate sector with his intelligence and skills, our very own ex-student and businessman of the year, Mr. Ranveer Shekhawat. हेलो एवरीवन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच आके, जहाँ से मेरी ज़िंदगी की असली शुरुआत हुई थी आप सबके बीच इस कैंपस में। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सर। वी नो दैट यू आर द एक्स स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज एंड यू आर द बिगेस्ट एंड यंगेस्ट आइकन ऑफ दिस कंट्री, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि आपने ये सब कैसे किया, आपके करियर के बारे में। मेरी ज़िंदगी, शायद आप सोच रहे होंगे मेरी ज़िंदगी कुछ स्पेशल होगी या कुछ, शायद मैं बहुत स्कॉलर होऊंगा, एकदम स्टूडियस होऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी एकदम सिंपल थी। हाँ, शायद आपको उससे कुछ सीखने को मिले। उन दिनों काफ़ी अलग था मैं, मेरा सबसे खास साथी मेरा मोटर और साथ में एक गैंग, एक गर्लफ्रेंड और एक केयर टेकर जिसे मैंने कभी दोस्त नहीं बना। बोल बे, क्यों बोला है? क्या हो, क्या कर तुझे, कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा हूँ? अबे किन लोगों के साथ घूम रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है, ये करने के लिए था कॉलेज में? देखा तो आप भाषण देना स्टार्ट मत कर। भाषण नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ तुझे, तेरी बहन तेरी माँ दोनों की जिम्मेदारी तुझ पे। सीरियस हो जा अपने जिंदगी के बारे में, करियर पे ध्यान दे। देखा तू चुप हो जा, और तू होता कौन है बोलने वाला? देखा तुझे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी में दखल मत दे, तो एक दूंगा।
सर पूरी गलती मेरी है, इट्स ऑल माय फॉल्ट, आई वाज द वन हु डिड एवरीथिंग. यू हैव लेफ्ट मी नो चॉइस बट टू सस्पेंड मी. I know it's going to be a hard time for you, but I can't keep this with me. I can't be with you anymore. I had to make this hard decision. I can't be with a loser. I'm already dating someone. I hope you forgive me. Bye forever. उसकी बोला था ना, उसकी आइटम को बहुत अच्छा बताया था. बताया कब है? बस ऐसे है, बस ऐसे ही. बड़ा डूड बना बेटा था, अब बेटा लगे बिगी बिल्ली बन के. अरे लेकिन एक बात बता, पूरा अपने अपने ऊपर लेने को उसे कन्विंस कैसे? बाबा जी, बाबा जी की कृपा. देख अगर सबसे प्लेन आ गया ना तो बचना मुश्किल हो जाएगा. देख मेरे पापा मिनिस्टर है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस. बस ये ब्लेम अपने ऊपर ले ले. मतलब उसका सारा पिट्टा ही गोल कर दिया. बड़ा मोटर लेके घूमता था, उसी को मोटर की तरह घुमा दिया. तब मैंने जाना कि जिंदगी वैसी नहीं जैसा हम सोचते हैं, जो देखते हैं और जो करते हैं. बहुत मस्ती को एक यंग एज का प्रिंसिपल मानते हैं.
विदाउट गोल्स, विदाउट पर्पस, ये लाइफ एकदम खोखली है। ये मौज मस्ती, ये यंग ब्लड वाली फीलिंग, इट्स ऑन एन इल्यूशन। मौज मस्ती हो पर इतनी नहीं कि इंसान को इंसानियत से परे कर दे। मुझे मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य मिला, इसीलिए कामयाबी मिली। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाइड टू अ गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स। और मैंने भी वही किया, इसीलिए आज जो भी हूँ उसी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच। बोल, क्यों बुलाए? तू तो बड़ा आदमी बन गया यार, तू भी तो प्रोफेसर बन गया यार। चल एक बात बता, समझाया तो तुझे कईयों ने था, तूने तो एक की भी नहीं मानी। सो ऐसा क्या हो गया कि तू इतना चेंज हो गया? ये था मेरा इंस्पिरेशन, मेरा मोटिवेशन। इसको जब भी देखता था ना, पुरानी बातें याद आती थी। अगर इस देश में 10% लोग भी अगर गोल ओरिएंटेड जिंदगी जिए ना, तो ये देश सुपर पावर नेशन बन सकता है। सही है यार, लेकिन कौन समझाएगा इनको? कौन समझाएगा इनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बातें? यहाँ तो लोग पास्ट का दुख लेके प्रेजेंट की ले रहे हैं, फ्यूचर का तो कोई सोचता ही नहीं। उसको देख रहा है, अ कंप्लीट स्पॉइल्ड ब्रैट। जब भी उसको देखता हूं ना, तेरी याद आती है। कौन समझाएगा इसको? कौन देगा उसको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन? मैं। What you think you are today is not what actually you are. What you think you are today is what others have told you that this is you. अपने अंदर के इंसान को पहचान। You are the king of your own world. You are the creator of your own destiny.